स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स पार्ट टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स मींस ट्राई मींस थ्री, है ना, एंड एंगल्स मींस हैविंग थ्री एंगल्स। जिसे तीन एंगल होते हैं उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। नाम से उसकी डेफिनेशन वी कैन डिफाइन देम। ट्रायंगल हिंदी में जैसा त्रिभुज, त्रिभुज मींस तीन भुजाएं, और मराठी में त्रिकोण, मराठीत त्रिकोण मीन्स तीन कोण। ऐसी फिगर हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स उसे हम ट्रायंगल्स कहते ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम पढ़ेंगे। इसके ऊपर 3.1 है एक्सरसाइज, उसको कब करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1। तो थ्योरम का कहना क्या है, अब ये ट्रायंगल है एबीसी और ACD इज एक्सटीरियर एंगल है। अभी ट्रायंगल निकाला मैंने एबीसी हैविंग थ्री इंटीरियर एंगल्स 1, 2 एंड 3 एंड 1 एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल निकाला मैंने। अब तीन इंटीरियर एंगल्स है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड 4 इज अ एक्सटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल को तीन इंटीरियर एंगल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल 6, है ना। तो इसका कहना क्या है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट मीन्स व्हाट, रिमोट मीन्स दूर वाले। दिस इज एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये नहीं होना। सम ऑफ रिमोट यानी यहां से जो दूर है, दिस इज अ इंटीरियर एंगल बट एडजेसेंट, लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं होना, पास वाला नहीं होना। जो दो रिमोट इंटीरियर एंगल है जो दूर है, वो दो एंगल की एडिशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है। बस यही थ्योरम है। इसका मतलब यदि हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए सी डी इज ए एक्सटेरियर एंगल। कौन सा एंगल है, एक्सटेरियर एंगल। और इसमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, है ना। 1 + 2, 1 को क्या बोलेंगे एबीसी और 2 को क्या बोलेंगे एबीसी, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मीन्स मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट यानी ध्यान में रखना है दूर वाले, पास वाला छोड़ के जो दो एंगल्स है उसकी एडिशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है। बस इतना ध्यान में रखना। अब इसको प्रूफ करते हैं। वी नो दैट इसके पहले के लेसन में देखे है हमने, क्या देखे है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री इन ट्रायंगल। क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है, एंगल एबीसी प्लस एंगल मेजर ऑफ एंगल एबीसी प्लस मेजर ऑफ एंगल बीएसी प्लस मेजर ऑफ एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री बाय थ्योरम, है ना। By theorem of triangle, sum of all angles of triangle is 180 degree. And sum of all angles of triangle is 180 degree by theorem we have seen in previous video. इसके पहले जो वीडियो बने हैं ये थ्योरम उसमें है। तो ये इसको हम 1 बोलते हैं। अब ये 3 + 4 भी 180 हो जाएगा। Why? Remote interior angle नहीं, लीनियर पेयर एंगल, है ना, एंगल 3, दिस इज एंगल 3। अभी 3 को क्या बोलेंगे एसीबी प्लस एंगल एसीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एंगल एसीबी अगेन व्हाट, मेजर ऑफ एंगल एसीबी प्लस मेजर ऑफ एंगल एसीडी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई, लीनियर पेयर एंगल्स, है ना।
ये वन एंड टू देखो, वन एंड टू दोनों 180 डिग्री है, मीन्स लेफ्ट साइड इक्वल, दोनों की राइट साइड इक्वल है, देयर फोर लेफ्ट साइड इज इक्वल, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इक्वल टू, ए बी 180 डिग्री, ए बी 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। अब देखो ए सी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, देयर फोर मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, ये दोनों कैंसिल हो गए है ना, इक्वल टू ए सी बी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे हमारे पास ए बी सी प्लस बी ए सी इक्वल टू ए सी डी, यही प्रूव करना है हमको, क्या मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी, हेंस प्रूफ, सिंपल प्रूफ है और ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। ध्यान में क्या रखना है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, यानी जो दूर वाले दो एंगल्स होते हैं उसकी एडिशन एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है ना बच्चों, तो ये हो गया थ्योरम। यदि ऐसा दे दिया ट्रायंगल, क्या है दिस इज अ ट्रायंगल, और ये बढ़ा दिया और हमको बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ, ये वन टू थ्री है तो इसका मेजर क्या रहेगा, टू प्लस थ्री है ना, इसकी एडिशन प्लस इसकी एडिशन, ए एंगल की एडिशन है क्योंकि ये दूर वाले इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की इक्वल टू रिमोट सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके ऊपर एग्जांपल है, ध्यान में रखना है कुछ, क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि ये मेजर एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन कोई भी एक रिमोट इंटीरियर एंगल से ज्यादा ही रहेगा, एंगल फोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल वन और एंगल फोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल टू, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल कभी भी रिमोट कोई भी एक रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहेगा, ग्रेटर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एनी वन रिमोट इंटीरियर एंगल, कोई भी एक यदि एंगल लिया रिमोट इंटीरियर तो इसका मेजर हमेशा ज्यादा रहेगा, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब इसके ऊपर हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। अब प्रैक्टिस सेट 3.1 पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसा है पहला क्वेश्चन, फिगर दिया है, व्हाट डू यू गिव ए बी सी है और ए डी है ना, ए बी सी डी एंड ए इज 70 है, एंगल इज 70 एंड एंगल बी इज 40 डिग्री, पॉइंट इज एंगल, एंगल ए सी डी, सिंपल है, अभी हमने थ्योरम देखा है, क्या बोला है एंगल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी इज ए एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है ये फर्स्ट फर्स्ट देख रहे हम है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, देयर फोर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, देयर फोर मेजर ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू, दोनों की सम सम ऑफ देयर रिमोट इंटीरियर एंगल्स मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ए सी जो हमने अब भी देखे कुछ मिनट पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी है 40 प्लस 70 दिस इज 110 डिग्री, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक मार्क के दो मार्क के क्वेश्चन इस पे हम कर सकते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स पे थ्योरम थ्योरम हमें ध्यान में रखना है, क्या है थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल रिमोट इंटीरियर एंगल्स के एडिशन के बराबर होता है,
ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। 3.1 में टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 है ना, क्या कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस सेट 3.1 का 1 तो हो गया। अब 2 2 तो इजी है। एंगल P70, Q65, तो R कितना रहेगा? सिंपल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, तो तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। X70 है, ये X65 है, तो R तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180। तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ब्रैकेट में 70 प्लस 65, तो आ जाएगा वो। वैसा ही 3 है और वही वैसा ही 4 है। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड करता हूँ मैं, थर्ड थर्ड मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। अब ट्रायंगल है, द मेजर ऑफ जो दिया है, मेजर ऑफ गिवन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, और क्या दिया है? एक्स माइनस 40 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। अब तीन एंगल के मेजर दिए हैं हमें, एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री एंड एक्स माइनस 40 डिग्री। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एक्स प्लस, तीनों की एडिशन करेंगे, एक्स माइनस 20 है प्लस एक्स माइनस 40 है, ये कितना आएगा? 180 डिग्री बाय थ्योरम। थ्योरम क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मिला लेते हैं सब, एक्स एक्स यहाँ क्या आएगा? एक्स ये हो गया, एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 इक्वल टू 180 हो गया। एक्स 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 3x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60, क्या माइनस 60 इक्वल टू 180। 60 उधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा? 180 प्लस 60 हो गया। तो 3x इक्वल टू 240 है ना, कितना आएगा? 240। देयरफॉर एक्स इक्वल टू, 3x इक्वल टू है 240, 3x इक्वल टू क्या आएगा? 80। कितना आएगा? 80। और एक आएगा एक्स माइनस 20 मीन्स 80 माइनस 20 60, और एक आएगा 40 क्योंकि 80 माइनस 40 40 हो जाएगा। देयरफॉर क्या है? मेजर ऑफ एंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 एंड एक्स माइनस 40। Therefore, 80 डिग्री, एक आएगा एक्स माइनस 20 मीन्स 80 माइनस 20 डिग्री एंड 80 माइनस 40 डिग्री। तो ये आएगा क्या आएगा? 80 डिग्री, 80 माइनस 20 मीन्स 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, ऐसा मिल जाएगा उनका। कितना आएगा? 80, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री।
समझ में आया बच्चा? दिस वी हैव टू डू। तो ये रहेगा 40, ये रहेगा 80 एंड दिस इज द 60। द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये था थर्ड प्रॉब्लम। तो ऐसा ही हम सेकंड प्रॉब्लम कर सकते हैं। वहाँ मेजर दिया है हमको, थर्ड निकालना है। अब इधर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन और टेन। तो इसमें कुछ करते हैं। तो फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। कौन सा? फिफ्थ। प्रॉब्लम्स देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ में क्या बोला है? फिगर दिया है हमें। क्या दिया है? फिगर, फिगर दिया है। दिस एंगल इज 100। अगेन दिस एंगल इज 140 और हमें ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है और ये जेड दिया है। तो निकाल सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो और जेड की वैल्यू। नेम ऑफ ट्रायंगल्स आर ई एन एम और इधर दिया है this is T and this is R. Easy है, ये linear pair है। तो y plus 100 equal to 180, this is also linear pair, therefore z plus 140 equal to 180। और जब y मालूम हो गया, z मालूम हो गया, तो x हम find out कर सकते हैं, है ना? तो फिगर क्या है? y प्लस 100 इक्वल टू 180। व्हाट? लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 मींस y इक्वल टू व्हाट? 80 डिग्री। और वैसे ही z अगेन z इक्वल टू या z प्लस 140 इक्वल टू 180। तो इसे भी उधर लेके गए हम, तो क्या मिलेगा? 180 माइनस 140, तो z इक्वल टू मिलेगा हमें 40 डिग्री, है ना? ये 100 प्लस 80 180, 140 प्लस 40 180। तो ये भी रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर एंगल्स। क्या ये लीनियर पेयर? तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। z इक्वल टू 40। अब x निकालना है इन ट्रायंगल ई एन एम। क्या हो जाएगा? x प्लस y प्लस z कितना आएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना? 180 डिग्री। बस उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। x है हमारे पास, नहीं है, फाइंड आउट करना है। x वी हैव टू फाइंड आउट। y है हमारे पास, कितना है? 80। z है 40 इक्वल टू 180। तो x प्लस 80 प्लस 40 120 इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 माइनस 120, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमें तीनों वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 80 एंड वैल्यू ऑफ z इज 40। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड x, y, z। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद के प्रॉब्लम्स जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।